आज गुलबर्ग के अंदर जनता दल के तरफ से जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहे हैं, आज गांधी जी स्टैचू के सामने आज जो स्ट्राइक बैठे, कल ये देश के प्रधानमंत्री गुलबर्ग आ रहे हैं, आज हमारे जनता दल के तरफ से हम लोग उनको डिनाय करते हैं कि गुलबर्ग आप नहीं पहुंचे। क्यों बोले तो आज इन्होंने कई सालों से लोगों को उम्मीद देते हुए आज किसान हमारे बाग में किसानों को आज तोगरी जो भी तुअर का जो लाश हुआ है, आज तक ये सरकार यहाँ का नालायक सरकार यहाँ पे ये लोगों को परिहार नहीं दे रहे। आज बीजेपी के यहाँ के लोकल के लीडर्स अब पीएम नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं बोल के इन्होंने पूरे अरेंजमेंट में लगे। आज इन्होंने झूठी हुकूमत और झूठा कर्नाटक का सरकार आज किसानों के खिलाफ ये लोग जो मोमेंटम बना दिए आज गुलबर्गे के अंदर। आज कई पार्टी वाले आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल किसान के तरफ से भी कई लोग प्रोटेस्ट किए हैं, तो आज जनता दल के तरफ से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट बैठे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ के किसानों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और गुलबर्गे के अंदर बहुत सारे मसले बाकी है। आज कई बीदर गुलबर्गा इधर हैदराबाद कर्नाटक के अंदर आज हमारा तोगरी नाड़ू जो है, जो तुअर का जो बेस हमारे पास जो तुअर यहाँ पे तैयार होता है, पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई होता है, आज यहाँ पे किसानों के पेट पे मारा गया है। आज तुअर लाश हुआ है, ये सरकार नींद कर रहा है और बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। जो कौन सा थे उठगाटने करके आके यहाँ पे लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। ये जो बंजारा समाज के लिए जो ये डॉक्यूमेंट्स इशू करके आज ये लोगों ने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी कई सालों पहले हमारे गवर्नमेंट में हो चुके हैं। चुप क्या है, इलेक्शन आ रहा बोल के लोगों को गुमराह बना रहे। अच्छे दिन हमारे पुराने दिन ही बहुत अच्छे है बोल के बोलना चाहता हूँ। हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। कर्नाटक का हुकूमत, कर्नाटक के लोग पूरे अच्छे दिन देख चुके हैं, नहीं चाहिए बाबा हमारे को अच्छे दिन। 15 लाख रुपए पहले अकाउंट में डाल के गुलबर्गा पहुँचाओ बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज जो गरीबों को, जो किसानों को जो तसल्ली दिए 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने का, कहाँ है 15 लाख रुपए? ये झूठी गवर्नमेंट, झूठी तसल्ली छोड़ो, गुलबर्गे के आवाम के लिए, गुलबर्गे के लोगों के लिए एक इंसाफ देना बोल के हम लोग यहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठ के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे बोल के बोलना चाहता हूँ। कर्नाटक देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को गुलबर्गे के जो MLA यहाँ के चोर MLA लोग है, ये MLA लोगों के लिए उनको अभी नहीं मालूम है। हम लोग भी मनवी देंगे इंशाल्लाह कल। यहाँ के MLA लोग क्या क्या प्रॉपर्टी लूटी करे, GDA प्रॉपर्टी लूटी करे, कई लोगों के लैंड कब्जा करे और 40% जो परसेंटेज ले रहे हैं, ये पूरे जो सच्चाई है PM मोदी साहब को नहीं मालूम है। ये सच्चाई मालूम होना चाहिए आवाम के तरफ से। आज गुलबर्गे के आवाम आने वाले दिनों में BJP के उम्मीदवार जो यहाँ पे ठहर रहे, एक भी वोट नहीं डालेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। ये लोग अभी ख्वाब देख रहे, अभी आने वाले दिनों में कर्नाटक में अंदर हमारा हुकूमत बनेगा बोल के, कर्नाटक का हुकूमत, कुमार स्वामी साहब का हुकूमत बनेगा, कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आवाम के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए आज कुमार स्वामी साहब का सरकार मजबूत रहेगा। आज पिछले 2-3 दिन पहले हमारे बाग में पंचरत्न यात्रा जो कुमार राणा ने लेके आए थे, आज पंचरत्न यात्रा आज गुलबर्गे के अंदर हर एक क्षेत्र में हमारा यात्रा जो है आज बहुत अच्छी तरह यात्रा हो गया है। आज गुलबर्गे में कांग्रेस BJP का नींद उड़ गया है। आज ये लोग रात में सो रहे नहीं, इनको हैबत छूट गया है कहाँ होता गुलबर्गा क्या होता बोल के। आने वाले दिनों में गुलबर्गे के अंदर हमारे JDS के तरफ से 3-4 MLA हम जिता के आज असेंबली भेजेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ
भारतीय जनता पक्ष सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आड़वान नडसको इवते बरतार यह देश के प्रधानी नर देश दौड़ बदलवे माती देश उद्योग को बड़वे 15 लक्ष रूपाय अकौंटे हाँती अंत भरोसे सुरीमे मोदीजीवर को देश जन आवतु आड़ नडसको सुमार ईद वर्ष मोदीजीवर आड़ नड़ीता है भारतीय जनता पक्ष आड़ देश नड़ीता है अधिकार आरंभवाद ना देश कईगारिके स्थापने आगदे कईगारिके दौड़ दौड़ कईगारिके बंद हाकित कोटि कोटि उद्योग को देश कोटि निरुद्योगी उद्योग कल्कु कोटि जन इवत उद्योग कल्कु देश कोरोना हेसर मेले देश संपत्त लूटी मड़ी बीजेपी सरकार यह देश कईगारिके इवत खासगी अदानी अंबानी ओपस्ता देश संपत्त कोवत अदानी अंबानी को देश अदी मोदीजी सरकार एल रंग विफल आगे इवतु रैतर आत्महत्य मूवत नये पैसा कोवत रू नूरा तोट कोटि रूपाय बड़े विमे प्रधानमंत्री फसल विमा योजने अड़ी नूरा तोट कोटि रूपाय रैतर हण तुम्बार आदरे सरकार कोट्टदष्टु विमा कंपनी मूलक केवल 28 कोटि रूपाय अंद्रे 100 कोटि रूपाय हेच्चिगे इवत्तु रैतर हणवन्नु लूटी माड्रु रैतर जेबिगे कत्रि हाकिद्रु रैतर बेळे विमे इवत्तु तोगरि हण तोगरि लास आगिदे इवत्तु हत्ति लास आगिदे इवत्तु बेळेदंत बेळे इवत्तु रैतन कैगे बर्ता इल्ल इवत्तु रैतरु माडिदंत सालद सूलक्के हेदरि इवत्तु आत्महत्य माड्कोळ्ता इद्दारे इवत्तु जिल्लेयल्लि 80 जन रैतरु आत्महत्य माड्कोंड्रु कूड इवत्तु राज्यद बीजेपी सरकार मतलब परिहार को केंद्र सचिव लोकसभा सदस्य इवत्तु यार परवागी बीजेपी सरकार इवर को भरोसे हुशी देश जन को भरोसे हुशी देश अभिवृद्धि बदल देश दिन निवत कोम गलभे सृष्टि आगता है इवत्तु धर्म मेले दंगल मतर देश अशांति सृष्टि मतर यह देश जन नेमदिया बदकता इवत यार मान्य प्रधानमंत्री जीवर मोदीजीवर कलबुर्गी वंटार ऐन नाकु हकपत्र नाकु हकपत्र बदली देश जन बदकु हकन को नेमदिया बदकु हकन को नेमदिया बाकी बिड़ता नाकु हकपत्र यार पंचायती चेरम को तांडा जन मन कटकोड़ता 40-50 वर्ष अदे तांडदल्लि जीवन माड्ता अदे तांडदल्लि इवत्तु मनेगळु कट्टिकोंडिद्दारे इवरु याव हक्कपत्र अवरिगे इद्द मनेगळिगे हक्कपत्र कोडोदु दोड्ड साधने अल्ल अभिवृद्धि अल्ल आदरे ई राज्यदल्लि इवत्तेनदंद्र बडवरिगे रैतरिगे निरुद्योग युवकरिगे उद्योग कोडदे इवत्तेनद रैतरिगे परिहार कोडदे इवत्तु ई सरकार राज्य सरकार 40% नल्लि इवत्तु हण अन्न कोळ्ळे होडलिक्के इवत्तु मिनिस्टर गळु एमएलए गळु एंपी गळु कच्चाड़ता इदारे ई देशद जन नोड्ता इदारे इवर जगळ यदक्कागि लूटी माडोदक्कागि हंचिकोळ्ळ सलुवागि ई देशद रस्ते माडो रोक्क हंचिकोळ्ळ्ता इदारे इवत्तिनद हरकोंड तिंता इदारे इदु ई देशद जनरिगे बहळ बेसर आगिदे इवत्तु बहळ असह्य अनिस्ता इदे इवर आडळित बीजेपी आडळित ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಕು ಬಿಜೆಪಿ ತೊಲಗಬೇಕು ಭಾರತ ಉಳಿಸಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಹಟಾವ್ ದೇಶ ಬಚಾವ್ ಅಂತಕಂತ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆದಿಂದ ನೀವು ಆಡಳಿತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋರ ಕೈಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವನೀತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾಯಕ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವನೀತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ।